नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी तक बसपा प्रमुख मायावती सक्रिय नहीं थी। वो बैठकें तो कर रही थी लेकिन कई रैली या फिर जनसभा करती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन अब बसपा प्रमुख जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने आज आगरा में पहली जनसभा की। कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 लोगों की ही अनुमति दी गई। मायावती ने अपना प्रचार 1000 लोगों के बीच किया। मायावती ने आगरा शहर के कोठी मीना बाजार से जनसभा की। बता दें कि 2022 के चुनाव में फिलहाल मायावती ने कोई भी जनसभा या संपर्क इससे पहले नहीं किया है। ये पहला जनसंवाद रहा और आगरा से उन्होंने अपने जनसंवाद की शुरुआत करी। और जिस तरह से बीएसपी कहती है कि हम जनता के बीच रहते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनते समझते हैं, और डिजिटल माध्यम से भी कहीं ना कहीं बीएसपी अभी भी दूर दिखाई देती है। जिस तरह से बाकी पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता से जुड़ी रहती हैं, डिजिटल माध्यम से जनता से संवाद करती रहती, जनता के बीच अपनी नीतियों को पहुंचाती रहती हैं, तो वहीं बीएसपी अभी भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जनता से दूर है बीएसपी, लेकिन अब चुनावी मैदान में खुद बीएसपी प्रमुख उतर आई हैं। मायावती ने आज जनसंवाद किया और जनता के बीच जाकर उन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया, अपने पुराने कार्यकाल के बारे में बताया, बताया कि किस तरह से पहले विकास किया गया था और अगर वो सत्ता में आती हैं तो एक बार फिर विकास की गंगा बहाई जाएगी। साथ ही सरकार पर भी बरसती हुई नजर आई है मायावती। आगरा से उन्होंने अपना ये चुनावी सफर शुरू कर दिया है। आज जनसंवाद किया उन्होंने और जनसंवाद करने के साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने किसानों के हित में भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों को कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वो मांग कर रहे हैं, वो चाहे गन्ना मूल्य हो या फिर बाकी चीज़ें, जिससे परेशान नजर आ रहे हैं किसान, तो उनका भी जो है निवारण किया जाएगा, समस्या का निवारण किया जाएगा। जो भी किसान परेशान हैं उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही विकास को लेकर भी कई बात कही और रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी नीतियों को बताया, बीएसपी की नीतियों को बताया है। साथ ही सभी समाज के कल्याण की बात भी कही। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं आगरा से। अमित, आज मैदान में उतरी है मायावती और अपनी जो जनसंवाद कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए उन्होंने अपनी कई नीतियां बताई है, बीएसपी की कई नीतियां बताई है, क्या कुछ अहम रहा? आपको जिस तरीके से पहली बार आगरा में चुनावी रैली जो उन्होंने की है अभी मायावती जी ने, और वहाँ पर उन्होंने उनका सीन सबसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार हो गई है, उसमें दलितों का बहुत शोषण हुआ है। उसके बाद दूसरा जो उनका प्रभाव था वो समाजवादी पार्टी पर था। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, सपा सरकार अगर बनती है तो जो गुंडों का राज है वो यहाँ शुरू हो जाता है। आपने पहले भी देखा होगा जिस तरीके से सपा सरकार बनी और गुंडागर्दी जिससे बड़ी थी, उसको सीधे आरोप लगाते हुए उन्होंने दलित वोटों को अपने साथ में जोड़ने के लिए आगरा में ये पहली जनसभा उन्होंने की। जी अमित, जिस तरह से ये कहा जाता है कि दलित और पिछड़ों की जो भी वोट बैंक है वो मायावती की तरफ हमेशा रहते हैं, लेकिन उसी को साधने की कोशिश हो चाहे बाकी दल हो क्यों करते ही रहते हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या बाकी दलों के खाते में जाएंगे पिछड़ों और दलितों के वोट या फिर बीएसपी के साथ ही रहेंगे? क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बार के चुनाव में? तरीके से इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग ही चुनाव हो रहा है। उस तरीके से चुनाव आयोग ने जिस तरीके से दो जो कंपेन वाला बनाया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं अब वो समझ में आ रहा है और वो अपनी सोच के अनुसार ही वोट देना चाह रहा है। हालांकि बात करें आज की रैली की, तो आज की रैली में भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी। मायावती को सुनने के लिए काफी लोग आए थे, आगरा जिले के अलावा अन्य जिले के लोग भी आज यहाँ मौजूद थे। 1000 लोगों की यहाँ परमिशन थी, जिसके बावजूद भी करीब 1000 से ज्यादा लोग बाहर मंच के बाहर खड़े होकर मायावती को सुनने के लिए आए थे। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है जिस तरीके से आज उन्होंने रैली की है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग और जो बाकी अन्य दलों का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जो छाप या मायावती छोड़कर जाएंगी। तो जिस तरह की भीड़ देखने को मिली है आज जनसंवाद के दौरान अमित, तो क्या इससे माना जा सकता है कि जो कयास लगाए जाते हैं, जो कहा जाता है कि मायावती के वोटर्स कहीं नहीं जाते, तो वो क्या बात सच होती नजर आ रही है कि एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है मायावती? ये बात बिल्कुल सही है कि जो उनका वोट बैंक है वो उनका पर्सनल वोट बैंक है, उनका जातिगत वोट बैंक है और मायावती के चेहरे का वोट बैंक है। चाहे
वो वोट बैंक अभी भी कहीं जाने की शंका नहीं कर सकते हैं हम लोग। और बाकी आगे जो आने वाला समय है वो बता पाएगा कि ये लोग अगर विकास के लिए बात करना चाहेंगे, जो पार्टी जो इनके हित की बात करेगी उसकी तरफ जाना चाहेंगे, या तो मायावती का वोट बैंक जिसको कहा जाता है वो उनकी तरफ ही झुकाव बनाए रखेगा। जिस तरह से डिजिटल माध्यम से दूरी बना के रखती है बीएसपी, क्या लगता है इससे भी कोई फर्क पड़ सकता है चुनाव में? क्या डिजिटल होना पड़ेगा बीएसपी को एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बीएसपी के लिए कि उनको डिजिटल तो होना पड़ेगा। डिजिटल के बिना जो चुनाव आयोग जिस तरीके से गाइडलाइंस है उसके बिना वो चुनाव अपना जीतना संभव नहीं है, और उनको ये चीज चैलेंज के तौर पर उन्हें लेनी चाहिए। जी अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में जो वोट बैंक है और जिस तरह की राजनीति देखने को मिलती है, क्या लगता है इस बार आगरा में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बीएसपी का? आगरा की बात करें तो आगरा में इस बार त्रिकोणीय समीकरण है, कहीं बीजेपी सेक्टर है, कहीं बीएसपी सेक्टर है, कहीं सपा सेक्टर है। और जो बात करें अगर हम बीएसपी की, यहाँ पर जिस तरीके से आज रैली हुई है उस रैली को देखते हुए, जिस तरीके से आज लोगों का जो हुजूम जुड़ा था उसको देखते हुए, कहीं ना कहीं बीएसपी का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए बढ़त के रूप में यहाँ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आगरा से जुड़े थे अमित। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर देवरिया से है जहां पर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा ने यूपी में काबा का करारा जवाब देते हुए नजर आए, साथ ही क्षेत्र की जनता ने उन्हें माला पहनाकर उनका अभिवादन किया। दीपक मिश्रा ने नेहा राठौड़ के गाने पर उनके जवाब देते हुए बताया कि यूपी में भूखे को भोजन है, बिटिया की सगाई है, बेटों की पढ़ाई है। भी और कहीं नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कोई ऐसी बात हो जाती है तो कांग्रेस के लोग जो एकदम लाचार बेचारा हो चुके हैं, तार तार हो चुके हैं, बेचार हो चुके हैं। कांग्रेस के अपने सिपह सालार और नवरत्न, एक तरह से कहा जाए कि राहुल जी के, प्रियंका जी के नवरत्न ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में किसी को यह कहने का हक नहीं है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा इपनिका का प्रधान जी बचा सके नहीं। यूपी में काबा, भूखे को भोजन है, नंगे को वस्त्र है, बूढ़ी माँ को दवाई है, बूढ़े बाप को रजाई है, बेटी की सगाई है। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं देवरिया से। रवि, जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी ने बताया है कि प्रदेश में क्या क्या है, तो क्या सच में ये सब है? क्या जनता को सुविधाएं मिल रही हैं? जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है? बता दूं कि ये बरहज भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा उर्फ शाखा है और इनके पिता देवरिया के मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने नेहा राठौड़ के गाने पे करारा जवाब देते हुए बताया कि यूपी में सब है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन, गरीब के लिए आवास और विकास के नाम पे बहुत कुछ है बीजेपी में। जी तो सब योजनाएं तो बता रही है, लेकिन इसकी जमीनी तौर पर हकीकत क्या है? मैम, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत कुछ अधूरा अभी यहाँ कार्य है, जिसे वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन खरे नहीं उतर पाते हैं। जी, और जिस तरह से विपक्ष निशाना साधता रहता है, और इस गाने को लेकर भी विपक्ष की तरफ से एक गाना आया था कि ये परेशानी है, तो उस बारे में भी जानकारी चाहेंगे हम आपसे। जी, मैं आपको बता दूं कि नेहा राठौड़ के इस गाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होते दिखाई दे रहा है, और नेहा राठौड़ इस गाने से काफी हिट भी हो चुकी हैं, और उनके इस गाने से कई बीजेपी उनको करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से। यूपी में चुनावी ऐलान के बाद जहां एक तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है, तो वहीं आदर्श आचार संहिता का सही ढंग से पालन कराने के लिए आयोग को टीम और पुलिस बल संयुक्त सघन चेकिंग अभियान प्रदेश में चल रहा है। बता दें कि हरदोई के बेनीगंज बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग के दौरान सभी चार पहिया वाहनों को रुकवा कर चेक किया गया और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। तो पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। हरदोई से ये खबर सामने आ रही है, जहां चुनावी ऐलान के बाद प्रशासन
सख्त नजर आ रहा है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति है और 50,000 से ज्यादा कैश भी ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा होता है और ज्यादा मात्रा में किसी भी गाड़ी से या किसी व्यक्ति के पास से नकदी पाई जाती है तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाता है। तो यूपी में चुनावी ऐलान के बाद जहां एक तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है तो वहीं आदर्श आचार संहिता का सही ढंग से पालन कराने के लिए आयोग को टीम और पुलिस बल चेकिंग संयुक्त सघन चेकिंग अभियान भी प्रदेश में चलाया जा रहा है। बता दें कि हरदोई के बेनीगंज बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है, मैं मजिस्ट्रेट निगरानी दल से हूँ। यहाँ पे इलेक्शन आयोग के निर्देशानुसार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसका मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूं और अभी तक कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। तो ये जो चेकिंग अभियान है आप लोग की तरफ से, ये क्या इसकी टाइमिंग होती है, कोई रैंडमली लग जाता है कि इसकी कोई टाइमिंग निर्धारित की गई है? जी, मेरी टाइमिंग जो है तो मॉर्निंग में 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और इस पीरियड में वाहनों की सघन चेकिंग। एक हमने देखा कि व्यक्ति है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, तो उसको कैसे आप अपने डील किया, उसको कैसे समझाया? उनको निर्देश दे दिया है कि भविष्य में ये जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये चीज जो है हटा दें। के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, चुनाव के चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी लगातार पालन कराया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है और तमाम चीजें हैं जो चुनाव के मद्देनजर ध्यान रखी जा रही है। तो चुनावी ऐलान के बाद चुनाव से संबंधित सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, असलाह ले जाना, नकदी ले जाना मना है और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो सख्त एक्शन लिया जाता है। साथ ही नियमों का पालन कराने की भी पूरी कोशिश कर रहा है प्रशासन, मुस्तैद नजर आ रहा है, लगातार चेकिंग चल रही है, ताबड़तोड़ चेकिंग की वजह और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है हर जिलों में। तो हरदोई से ये खबर सामने आ रही है जहां पे काली पन्नियां अगर गाड़ी पे लगी होती है तो उसको निकाल दिया जाता है और जांच करी जाती है, अगर नकदी मिलती है तो उसे भी जब्त कर एक्शन लिया जाता है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और पूरे समय कहा जा सकता है कि कोशिश करी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि 24 घंटे चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हरदोई से। वीरेंद्र, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं प्रशासन के द्वारा? संहिता लागू होने के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है, हरदोई जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और गाड़ियां चेकिंग की जा रही है, कोई अगर सामान लेके जा रहा है सामान भी चेक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जी, कम से कम कितनी नकदी ले जाने की छूट और अगर उससे ज्यादा होती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? मैम, कम से कम 50,000 तक ले जा सकते हैं, उसके बाद अगर 50,000 से ज्यादा अगर नकदी पाई जाती है तो उसके लिए आपको डिटेल देनी पड़ेगी, कहां से आप पैसा लेके आए और कितना पैसा किसका है, पूरे डिटेल आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास से कोई असलाह या हथियार बरामद होता है तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? मैम, उसके ऊपर तो मैम जब तक चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान तो मैम उसको जेल भेजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को देखते हुए जितने गुंडे लगे हुए, गैंगस्टर लगे हुए, पुलिस तो सबसे पहले उनको डालना चालू कर दिए, जेल के अंदर सलाखों के पीछे भेजना शुरुआत चालू हो गई है। यहाँ पे कप्तान हमारे हरदोई के बहुत सख्त हैं, जिनके ऊपर गुंडे के मुकदमे हैं तो उनको उठा रही है, जिला बदर वालों को भी लगातार जेल के अंदर भेज रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है कानून व्यवस्था? हाँ मैम, लगातार पुलिस कप्तान के द्वारा आदेश दिया गया, हर थाना क्षेत्र में रात के PSC और BSF जवानों के साथ में थाना कोतवाल लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, रात के समय गश्त भी कर रहे हैं, अगर चेकिंग के दौरान अगर किसी के पास कोई अवैध असलाह पाया जाता, कुछ पाया जाता तो सारी गाड़ियां चेक हो रही हैं। जी, क्या गाड़ियों की चेकिंग की कोई समय सीमा है कि किसी एक ही समय पर गाड़ियों की चेकिंग होगी या फिर 24 घंटे चेकिंग हो रही है?
जी मैम, समय सीमा सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे तक समय सीमा जो ये चेकिंग दस्ता चला रहा आचार संहिता सॉरी चुनाव आयोग का चल रहा, बाकी पुलिस शाम के समय चेकिंग 6 से 8 बजे भी लगाती है और सुबह 9 बजे भी लगाती है चेकिंग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हरदोई से संवाददाता वीरेंद्र सिंह जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने खुद के ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जहां से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निर्देश करेगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने भाजपा से टिकट मिलने की अभी आस नहीं छोड़ी है। रायबरेली में ऊंचाहार से उन्हें टिकट दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसी सवाल पर उन्होंने भी कहा कि पार्टी का हर आदेश उनके लिए मान्य है। दरअसल रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा को लेकर भाजपा ने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। अपर्णा यादव 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में है जहां सदर विधानसभा के 4 स्थानों पर सभा का आयोजन भी किया गया था जिसमें उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता का भी ध्यान नहीं रखा गया। सभाओं में तय लोगों से ज्यादा की भीड़ बुलाई गई। अपर्णा यादव कल बुधवार को सलोन विधानसभा में जनसंपर्क किया और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो उसका पालन करेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं अपर्णा यादव और अदिति सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई नजर आई। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, क्या कुछ कहते हुए नजर आई हैं अपर्णा यादव? पार्टी के पक्ष में 2 दिवसीय दौरे पर आई थी और जो उन्होंने छोटी छोटी जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया है। हालांकि अपर्णा यादव के नाम पर भीड़ सुनने वालों की ज्यादा और उन्होंने वही कहा है जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने उनसे एक सवाल पूछा था कि जो है नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की आपको लेकिन आप फिर भी नहीं मानी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं मानी भी हूँ और बाद में जाके नेताजी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जी ओम, जिस तरह से अदिति सिंह के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई नजर आई, प्रचार करती हुई नजर आई, तो जनता के बीच क्या कुछ माहौल देखने को मिला? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये सदर विधानसभा जो है वो यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर यादव मतदाता जो है वो ज्यादा है। इसी कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को एक चमत्कार के रूप में उतारा है और उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो क्या लगता है अपर्णा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या उन्हें टिकट मिल सकता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? नहीं, इस बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।